हेलो दोस्तों, कैसे हैं? माय सेल्फ अरिजीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ में आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर। टेक्स्ट रैपिंग मीन्स कि आपने अपने शेल में जो टेक्स्ट रखा है उसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कैसे सेट करना है। मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके एक ही सेल में कंप्लीट आ जाए, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली। वो आपको आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी ही एक्सेल फाइल ओपन कर रखी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ। इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं इसको कैसे करना है, इसको मैं अब ये मेरा एक सेल से बाहर जा रहा है टेक्स्ट, ये यहाँ जाके यहाँ ई सी से शुरू हो रहा है और ये ई पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये डी के अंदर सी के अंदर ही रहे और मेरे को पूरा का पूरा ये जो मैं टेक्स्ट लिखा है वो सारा मेरे को दिखे। ऐसे ही जो सेकंड वाला टेक्स्ट है वो भी सेल से सी सेल से निकल के सीधा जी तक पहुंचा हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो इसके लिए एक टूल आता है टेक्स्ट रैपिंग, रैप टेक्स्ट, एक्चुअली में रैप टेक्स्ट कहा जाता है उसको। तो वो आपको कहाँ मिलता है, वो आपको होम मेन्यू में जाके अलाइनमेंट में, यहाँ पे होम मेन्यू पे जाके अलाइनमेंट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे जाके रैप टेक्स्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो आप कर्सर लेके जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा डेमो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा लिखा है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ई तक ही हमें शो हो रहा है। तो इसका यूज़ होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये पूरा एक आपकी पूरी लाइन को एक शेल में पूरा दिखा देगा। तो शुरू करते हैं, जैसे कि ये हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ अजीत। अब इतने टेक्स्ट ये मेरा सी से लेके ई तक पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सी में ख़त्म हो जाए। एक तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसको यहीं से इसको किसी यहाँ पे दो सी ओ डी के जो बीच में जो डिवाइड कर रहा है इनको, दो शेल्स को, दो कॉलम्स को, तो वहाँ पे रख के उसको ऐसे ड्रैग करके इसको लंबा कर दें विड्थ को। और जैसे अब ये है, अब इसको भी मैं जो मेरा अगला टेक्स्ट है इसको मेरे को करना पड़ेगा। तो फिर मेरा ये वाला टेक्स्ट जो है ये कहाँ रह गया, और उसके लिए मेरे को दोनों का अलग अलग साइज़ लेना पड़ेगा, दोनों की विड्थ अलग अलग करिए। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके लिए टेक्स्ट रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पर क्लिक करके सिंपल रैप टेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट को शेल के साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। इसके करेगा ये जो इसकी हाइट है शेल की उसको वो बढ़ा देगा, उसको मतलब हॉरिजॉन्टल अपना सॉरी वर्टिकली इसको सेट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे ना एक जो मैंने आपको बताया था कि सेंटर मिडिल अलाइनमेंट जो होती है इसको हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट आएगा बिल्कुल शेल की बिल्कुल मिडिल में रहेगा। तो अब एक चीज़ और है, अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा थोड़ा साइज़ इसका थोड़ा सा इतना सा बड़ा है। चलो आपको बताता हूँ, इसको नॉर्मल पे कर लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। मैं इतना शेल का साइज़ रखूँगा दोनों का, और दोनों का थोड़ा सा इतना, और दोनों मेरे इसी साइज़ में आ जाएं। मैं इसको सिलेक्ट करा, सिंपल रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो गया। और अब ये वाला है, इसको मैंने दूसरे टेक्स्ट को सेट करना है, सिंपल इसे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप दोनों को सिलेक्ट करके, अब ये नॉर्मल आ गए हैं, दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपका जो टेक्स्ट है एक रैपर में, रैप यानी कि रैपर एक एक पैकेट में, एक लिफाफे में, एक मतलब एक ही इसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कितना सही एडजस्ट हो गया इसने ऑटोमेटिक, इसकी हाइट, इसकी जो हाइट में इसकी जो है, इसकी जो हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ अजीत, इसकी हाइट थोड़ी कम है, और जो वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग है इसकी जो हाइट जा रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि इसने टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ही उसको रैप को सेट कर लिया। अभी इसमें अब देखो इसको मैं और नीचे इसको जो साइज़ में छोटा कर दूँगा तो ये अब देखो, अभी यहाँ पे मेरे को मेरा टेक्स्ट मैंने साइज़ कॉलम का साइज़ छोटा कर दिया है लेकिन मेरा टेक्स्ट जो मेरे को दिख नहीं रहा है, पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके डीसेलेक्ट कर द्वारा रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा उस शेल की विड्थ के अकॉर्डिंग मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेट हो जाएगा।
इसको मैं यहाँ से खींच दूँगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो मेरी पहली लाइन है, हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ, इस पर देखेंगे ओपन नीचे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रह गया है और एक ही लाइन में आ गया है। और ये नीचे देखेंगे तो इसमें भी मार्जिन है लेकिन इसमें कम है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहीं पे इसको मैं सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि मार्जिन में हट जाए, तो उसके लिए क्या रहेगा, सिंपली दोनों को सिलेक्ट करो, रैप टेक्स्ट अभी तक अभी इनेबल है, इसको पहले डिसेबल कर दो फिर दोबारा इनेबल कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अपने शेल की विड्थ है जो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसको हम सेंटर में लेना है, सेंटर में ले सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे मैंने एक अलाइनमेंट में अंदर बताया था कि जो सेंटर अलाइनमेंट है यहीं से हम सेट कर सकते हैं। सिंपली इसको मैं लेफ्ट में लेफ्ट में ले सकता हूँ, राइट में सॉरी राइट में राइट में ले सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ये उसका साइज थोड़ा कम करके फिर इसको रैप टेक्स करके ये आपका प्रॉपर सही तरीके से दोनों शेल्स की विड्थ सेम है, हाइट ऊपर नीचे हुई है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल दोनों सेल्स में परफेक्ट फिट हो गया है। तो ये होती ये है सिंपल सा काम ब्रैपटर्स का, बहुत ही इजी है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको और फिर से बता दूं, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट के मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, दो लाइनें थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने कुछ नहीं करा है, इसको सिंपली सिलेक्ट करके ब्रैपटर्स पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक इसने कॉलम की हाइट को जो अपनी सॉरी शेल है या रो है, आप रो कह सकते हो, रोज की हाइट को उस अकॉर्डिंग सेट कर दिया। जो शेल की विड्थ है या कॉलम की विड्थ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई है, और जो इसकी हाइट है शेल अपने शेल की या फिर रो की वो उसने एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट की कितनी हमारे टेक्स्ट की लेंथ है। तो बस यही था इस ब्रैपटेक्स में, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही ईजी सा टूल है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई है नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो एडवांस लेवल वाला वो आगे आएगा, अभी तक तो इतना ही है ब्रैपटेक्स में। ये आगे जब यूज़ होएगा तब आपको इसको शायद अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़े आराम से इसको क्लियर हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा इसमें ब्रीफली में आपको जानना है तो आगे मेरे ट्यूटोरियल आएंगे, आगे जो पूरी इसमें सीरीज़ बन रही है मेरी, तो उसके ऊपर जब चलूँगा मैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सही से इसको आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे यूज़ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर पूरी सीरीज़ बना रहा हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि होएगी अपनी मर्ज एंड सेंटर के ऊपर, मतलब अपने टेक्स्ट को कैसे, आपका टेक्स्ट ज़्यादा लंबा है आपको उसको कैसे दो या तीन या चार सेल्स में कैसे उसको सेट करना है, उसको सेंटर में कैसे रखना है, तो वो सारा मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, लर्न एंड ग्रो।